पहला हमारा क्वेश्चन है कि स्टार्ट विद ए, मतलब हमारी लैंग्वेज में हमें किस पे फोकस करना है कि हमारी लैंग्वेज में हमारा हर स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रहा हो। अगर ऐसा है तो रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट हो जाए, अगर ऐसा नहीं है तो वो जनरेट ना हो। हमारी प्रैक्टिस ये रही है कि हम हमेशा कुछ स्ट्रिंग लिख लेते हैं अपने गिवन लैंग्वेज के, ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाए। बेटा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमें रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ रहे थे, और जहां से इसको डिसकंटिन्यू किया था उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है हमें उस लैंग्वेज की जो कि स्टार्ट विद ए हो। तो पहले हमारी प्रैक्टिस कर रही है कि हम कुछ स्ट्रिंग लिख लेते हैं उस लैंग्वेज के, लाइक अगर हम लिखें तो सबसे छोटा स्ट्रिंग होगा ए ए ए बी ए बी ए एंड सो ऑन। एग्री? तो देखिए ए से स्टार्ट होने में लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि सबसे पहले ए आए उसके बाद कुछ भी आ सकता है, मतलब अगर स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए से लाजमी स्टार्ट हो और उसके बाद कोई भी चीज आ सकती है, कोई भी, जिसका मतलब है चाहे ए आए या बी आए हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क क्या पड़ता है कि शुरू में ए आना चाहिए, यही होता है। जी बाकी सब भी याद है ना सबको कि अगर स्टार्ट में ए आ जाए उसके बाद कुछ भी आ सकता है, मतलब अगर स्टार्टिंग में ए है तो उसके बाद हमारी लैंग्वेज में कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। तो देखिए मैं इसको डिजाइन कर रहा हूं। मैंने कहा भाई रेगुलर एक्सप्रेशन में ए लाजमी होना चाहिए शुरू में, इस ए पे ना क्लोजर है ना कोई और लगा हुआ है, इसको मतलब ए लाजमी आएगा, और अगर ये ए लाजमी आएगा उसके बाद कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है ए अभी का। बिल्कुल आसान बेटा, ऐसे ही। देखिए ये चीज ये बता रही है कि ये लाजमी आएगा क्योंकि इस पर क्लोजर नहीं लगा हुआ, इसके साथ कोई और नहीं लगा हुआ, कोई यूनियन नहीं लगा हुआ, और ये चीज ये बता रही है कि एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, तो स्टार्ट भी देगा। क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल है, सही है। सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। स्टार्ट होगा ए से और उसके बाद कुछ भी आ सकता है, तो अगर हम बी से स्टार्ट करने की बात करें तो बी से स्टार्ट में क्या होगा कि भाई शुरू में बी आ जाएगा। किसी को कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। अच्छा जी, फिर अगर हम इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करें एंड विद ए, मतलब हमारा फोकस किस चीज पे है? एंड विद ए, या अगर किसी को अब रिपीट करना है तो वो रिकॉर्डिंग देख ले, ठीक है। एंड विद ए, एंड विद ए में लॉजिक क्या होगी कि शुरू में कुछ भी आए लेकिन आखिर में क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, मतलब सबसे आखिरी जो करेक्टर है वो क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसके स्ट्रिंग लिखेंगे कि ए बी ए ए ए ए बी ए बी ए ए एंड सो ऑन। मतलब हमारी कोशिश क्या है कि आखिर में ए आए। तो जो रयान ने आंसर किया उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन जो फातिमा ने आंसर किया वो सही है। देखें स्टार्टिंग में कुछ भी आए लेकिन लास्ट में क्या होना चाहिए, ए। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर अगर किसी चीज को चेक करना होता है तो उस चीज पे क्लोजर नहीं आता। अगर किसी भी चीज को चेक करना होता है, काउंट करना होता है, तो उस पे क्लोजर नहीं आता। तो देखें मैं लाजमी यहां पर ए को सिंगल लिखूंगा
अगर मैंने इस पे क्लोजर लगा दिया इसका मतलब आ भी सकता है नहीं भी आ सकता और मल्टीपल टाइम जा सकता है। तो यहाँ पर ए सिंगल लिखने का मतलब ये कि स्टार्ट में कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए ए बी का, लेकिन आखिर में क्या आएगा, ए आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इसी तरह का अगर तीसरा क्वेश्चन देख लें, कंटेन एन ए, कि ए लाजमी होना चाहिए। तो अगर हम इसके स्ट्रिंग लिखें तो वो क्या होंगे, वो होंगे ए ए बी बी ए बी 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 ए एंड सो ऑन। कहीं भी आ सकता है, चाहे शुरू में आए चाहे बीच में आए चाहे आखिर में आए, कम से कम एक ए आना चाहिए। तो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन कौन लिख के बताएगा मुझे? एटलीस्ट ए बेटा, कंटेन एन ए का मतलब ये है कि एग्जैक्टली नहीं, एटलीस्ट लिख लो यहाँ पर, तो मतलब कम से कम ए क्या आना चाहिए, कंटेन ए तो ए आना चाहिए। अब एक से ज्यादा लिख आने चाहिए डेफिनेटली, लेकिन कम से कम एक आना चाहिए। जी बेटा हो सकते हैं, रयान के आंसर में क्या गड़बड़ है? क्या लॉजिक लगाऊं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये वाला? बेटा टू एज भी आ सकते हैं लेकिन कम से कम एक ही आना चाहिए। देखें हमारा क्वेश्चन कब कंप्लीट होगा, जब कम से कम एक आ जाएगा, ऐसे ही है ना? तो शुरू में हम इंतजार कर रहे हैं बी आ सकते हैं। हमारा क्वेश्चन कब कंप्लीट होगा कि जब कम से कम एक आ जाएगा। अब जहां पहला ए आएगा उसके बाद ए अभी जितने भी आए हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। दोबारा देखिए, शुरू में बी पे चॉइस है, आते हैं नहीं आए, नहीं आते नहीं आए, हमारी मर्जी नहीं है, उसकी मर्जी है, वो जितने आना चाहते हैं आ जाए। जहां पहला ए आया हमने कहा अब क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। तो ये एक ए बता रहा है कि इसके बगैर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। जब एक ए आ जाएगा तो उसके बाद इस ए प्लस बी पे क्लोजर ये बता रहा है कि फिर कुछ भी आ सकता है। बट सपोज कीजिए कि अगर मैं सिर्फ ए प्लस बी का क्लोजर लिख दूं तो मेरे पास गारंटी नहीं है कि इस ब्रैकेट में से ए पिक होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट सिर्फ बी पे भी ट्रू हो सकता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखिए बेटा लॉजिक क्या होती है, लॉजिक ये होती है कि आप किसका इंतजार कर रहे हैं ए का, तो आपने कहा शुरू में भी आ सकते हैं लेकिन जहां पहला ए आएगा मेरे क्वेश्चन की कंडीशन सक्सेसफुल हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। जैसे ही मेरे क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है उसके बाद मैं हर ए अभी को पिक कर सकता हूँ। आपने इसका ऑटोमेटा भी बनाया था कि रिमेंबर शुरू में भी आ सकते हैं, जहां पहला ए आया आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई और आप फाइनल स्टेट पे चले गए, उसके बाद ए अभी जो भी आएंगे आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखिए फर्ज करें मैं ये लिख दूं, अब आप ये कह रहे हैं कि सर इसमें भी जो ए है, लेकिन ये लाइन सिर्फ इस पे भी ट्रू हो सकती है। देखें हो रही है ट्रू, तो इस बात की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसमें ए है? नहीं है ना, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, कम से कम ए क्या होना चाहिए। आपने क्या किया, आपने कहा सर शुरू में बी आ सकते हैं कम से कम ए क्या आएगा। अब इससे आप ना इससे सबसे छोटा क्या बना सकते हो अल्फाबेट, इससे सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या बना सकते हैं आप, इस इक्वेशन से सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या बना सकते हैं?
सिर्फ ए बना सकते हैं, देखिए इसको भी पिक ना करें और इसको भी पिक ना करें। एक मिनट में आपकी बात का जवाब देता हूं। नेहा, नेहा कह रही है कि फर्स्ट इक्वेशन, देखिए बेटा इसमें फिर ना आपने उसको बाउंड कर दिया कि आप बी से स्टार्ट नहीं हो सकते, लेकिन इसमें ये बी से स्टार्ट हो सकता है क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि ये सिर्फ कम से कम ए के चाहिए इसको, इसमें ए के मिलेगा कम से कम, लेकिन साथ में आप पाबंद कर रहे हैं उसको कि बी से स्टार्ट नहीं हो। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं बेटा देखिए पॉसिबल की बात रही है, गलत बात हो जाएगी। आप मुझे बताइए कि कंटेन एटलीस्ट ए में क्या ये आ सकता है? ये आ सकता है नहीं आ सकता? जल्दी बताइए क्या कंटेन एटलीस्ट वन ए में ये आ सकता है या नहीं आ सकता? आ सकता है ना बेटा, इसमें कम से कम एक है। अच्छा आप बताइए, अब आ रही क्लियर? मुझे ये बताइए कि कंटेन एटलीस्ट ए में क्या ये वाला स्ट्रिंग आ सकता है या नहीं आ सकता? तो क्या अब ये स्ट्रिंग इससे बन सकता है या नहीं बन सकता, इसका जवाब दे दीजिए। क्या ये स्ट्रिंग इससे बन सकता है? डेफिनेटली नहीं बन सकता, तो बस गलत हो गई बात। रेगुलर एक्सप्रेशन भी ऑटोमेटा की तरह काम करता है। रेगुलर एक्सप्रेशन सिर्फ उस लैंग्वेज के लिए डिजाइन हो जिस लैंग्वेज के लिए वो काम कर रहा है, उसके अलावा किसी और लैंग्वेज का स्ट्रिंग उस रेगुलर एक्सप्रेशन से नहीं बनना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये सवाल आपने ऑटोमेटा में किया था, स्टार्ट विद ए एंड विद ए, अब आप खुद लिख सकते हैं इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन। बिल्कुल बेटा, स्टार्ट विद ए एंड एंड विद ए, इसी तरीके से अगर मैं इस क्वेश्चन को एक और चेंज करूं, स्टार्ट एंड ends with same symbol, इसकी लैंग्वेज बताइए, इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बताइए। हाँ बेटा आपकी बात का जवाब दे रहा हूं मैं, चलिए इसको इग्नोर करें, पहले इनका सवाल सुन लीजिए। आसाम का जो सवाल है ये कह रहे हैं कि starts with a and ends with a में सिर्फ a भी आता है, सिर्फ a भी आ सकता है, तो इस ऐसे केसेस के लिए हम ये प्लस लिख के ए लिख सकते हैं।
ऐसे केसेस के लिए हम प्लस लिख के ए लिख सकते हैं। पहले तो इस पॉइंट को क्लियर कर लीजिए सुकून से, फिर अगले क्वेश्चन पे जाइएगा। इनका सवाल ये था कि स्टार्ट विद ए एंड एंड विद ए में अगर मैं स्ट्रिंग लिखूं, ये देखिएगा, अगर मैं उसके स्ट्रिंग लिखूं तो यही हो सकते हैं। ये हो सकते हैं, ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से एंड हो रहा है, बेटा सुन लीजिए, वही बता रहा हूं, ये ए से स्टार्ट हो रहा है, ए पे एंड हो रहा है, वैलिड स्ट्रिंग है। क्या ये वैलिड स्ट्रिंग है इस लैंग्वेज का? क्या ये स्ट्रिंग, क्या ये स्ट्रिंग इसी लैंग्वेज का वैलिड स्ट्रिंग है ना? तो समटाइम्स हमारे पास लिमिटेशन आ जाती है। अब देखिए इससे तो ये सारे बन सकते हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ए पे एंड हो रहे हो, कम से कम दो लाइन तो, लेकिन जब हमें ये बनाना होगा तो हमने प्लस ए लिख दिया। अब जो बंदा इस रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करेगा वो क्या करेगा, वो देखिएगा अगर सिर्फ सिंगल ए चाहिए तो इस पूरे को पिक नहीं करेगा, सिर्फ इसको पिक कर लेगा, और जब उसको एक से ज्यादा लेंथ का चाहिए होगा तो इसको पिक नहीं करेगा, इसको पिक कर लेगा। इस प्लस का मतलब क्या होता है? और क्लियर? कोई सवाल है यहां तक? इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले आप लैंग्वेज के कुछ स्ट्रिंग लिख लिया करें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे मैंने नहीं लिखे थे और मैं भूल गया था। मैं लिखता हूं दूसरा क्वेश्चन। स्टार्ट एंड एंड विथ सेम सिंबल जी, कोई बताएगा आंसर? अगर ए से स्टार्ट हो तो ए पे एंड हो, बी से स्टार्ट हो तो बी पे एंड हो। अब मुझे बताइए इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगी? मैं बताता हूं, सबसे पहले मुझे बताइए इसके पॉसिबल स्ट्रिंग कौन कौन से होंगे। बिल्कुल, बस इसमें एक चीज ऐड कर लें,
ठीक है, इसके पॉसिबल स्ट्रीम जो है वो क्या क्या है वो देख लेते हैं पहले। अच्छा जी, इसके पॉसिबल स्ट्रीम देख लीजिए, ए हो सकता है या नहीं हो सकता पहले ये बताइए, बी भी हो सकता है, क्या एप्सिलॉन हो सकता है, हो सकता है ना, बाकी सब तो आपको बताइए। तो आप बताइए जो चीज आप लोग लिख रहे थे उसमें कुछ एडिशन होगी, ये देखें, अगर ए से स्टार्ट होगा तो ए पे एंड होगा, प्लस अगर बी से स्टार्ट होगा तो बी पे एंड होगा, प्लस ए प्लस बी प्लस एप्सिलॉन। समझ में आई? अगर ए से स्टार्ट हो रहे होंगे तो यहां से बन जाएंगे, सॉरी अगर बी से स्टार्ट हो रहे होंगे तो यहां से बन जाएंगे, सिर्फ ए होगा तो यहां से आ जाएगा, सिर्फ बी होगा तो यहां से आ जाएगा, सिर्फ एप्सिलॉन होगा तो वो यहां से आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई सवाल है तो यहां तक बता दीजिए। बेटा सारी चीजें कोई स्मॉल थोड़ी होंगी, यहां पर आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप और लगाते हैं। अगर मैं फर्स्ट से आपसे सवाल ये बोलता हूं कि आपकी लैंग्वेज ए से या बी से या सी से या डी से एंड सो ऑन जेड से स्टार्ट हो सकती है, तो आप किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे? मैं भी यही कह रहा हूं, अगर आपकी लैंग्वेज ए या बी या सी या डी या और सॉन्ड जेड तक स्टार्ट होगी तो आप क्या लिखेंगे? आप बोलेंगे सर ये देखें, सर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एंड प्लस जेड। अब अगर मैं इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखूंगा तो आप तो यहाँ परेशान हो जाएंगे, इसीलिए मैं हमेशा क्या लेता हूँ, सिर्फ दो करेक्टर ए या बी। इस वाले क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट ऐसी है कि देखिए आपके पास जो ऑप्शन है वो क्या क्या है, आपका ऑप्शन या तो ए से स्टार्ट हो सकता है और ए पे एंड हो सकता है, या जब या आ गया तो बी से स्टार्ट हो सकता है बी पे एंड हो सकता है, या सिर्फ ए हो सकता है या सिर्फ बी हो सकता है या सिर्फ एप्सिलॉन, बस। कोई सवाल है यहां तक? मैं आप लोगों को आंसर तो प्रैक्टिकली आप ये करते हैं कि आपके पास पूरे पूरे जो एरेज होते हैं उसके अंदर आप इस तरीके से काम करते हैं। फर्स्ट करें आपने कहा कि सिग्मा में सब आ सकते हैं, सिग्मा में सब आ सकते हैं लेकिन के नहीं आ सकता, तो आपने क्या किया, देखें आप क्या करेंगे, आपने सिग्मा डिफाइन यही किया हुआ है कि ए से लेके जेड तक, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे सिग्मा माइनस के, तो अंडरस्टूड है कि सिग्मा में के नहीं आ सकता। क्लियर हो रही है बात? लाइक नम के अंदर आपने बोला भाई नम में सिक्स नंबर नहीं आ सकता, तो नम माइनस सिक्स, सब आ सकते हैं सिर्फ के नहीं आ सकता, सब आ सकते हैं उसमें से सिर्फ सिक्स नहीं आ सकता। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा जी क्वेश्चन सुन लीजिएगा,
सवाल समझने पहले क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि नो टू एज कैन कम टूगेदर, दो ए एक साथ नहीं आ सकते। अगर आप मुझे कुछ इसके स्ट्रिंग लिखवा दीजिए, बिल्कुल तो मैं लिखता हूं, ये आ सकता है, ये आ सकता है, इसका मतलब है बी जितने भी हैं, अगर सिंगल बी आ रहा है तो वो सारे आ सकते हैं, ऐसा है, ये आ सकता है, इसका मतलब विदाउट ए स्ट्रिंग अलाउ है, सही है ना, विदाउट ए स्ट्रिंग अलाउ है, बिल्कुल एप्सिलॉन भी आ सकता है, इसमें दो तरह की पैटर्न है, डेफिनेटली ए नहीं आए तब भी ठीक है, देखें लिखे हुए तो मैंने सिर्फ बी वाले, इसमें दो तरह के पैटर्न है, एक पैटर्न है ये जो ए से स्टार्ट हो सकते हैं, एक पैटर्न है जो सिर्फ बी में, सिर्फ बी उनमें शामिल है, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि आपका स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो जाए या ए से स्टार्ट हो जाए, सही है, क्या आप में से कोई इसे सॉल्व कर सकता है? ए बी स्टेरिक में आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही आएगा, शेजर नेहा आप तो सी लिया है, इसके अंदर सी तो है ही नहीं, नया ए बी स्टेरिक में सिर्फ एक ही आएगा, फिर बी आते रहेंगे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये नहीं है, ए भी बहुत सारे आ सकते हैं लेकिन एक साथ दो नहीं आ सकते, बात मैंने लिखा है बी स्टेरिक ए बी स्टेरिक, अगेन इस क्वेश्चन में भी एक प्रॉब्लम है, ये कह रहा है कि एक ही आएगा बीच में बस, बिल्कुल बेटा गलती है उसके अंदर, थोड़ा सा नहीं डिफरेंट है क्वेश्चन, अभी तक जितना हमने सिंपल सिंपल से किया है वैसा नहीं है, तो थोड़ा सा सोचिए फिर मुझे बताइए, हिंट दिया है मैंने, दो तरह की लॉजिक है, एक वो कॉम्बिनेशन है जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, एक वो कॉम्बिनेशन है जो बी से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब है इस क्वेश्चन में दो तरह से सॉल्व होगा, एक वो लॉजिक है जो ए से स्टार्ट हो रही है, एक वो लॉजिक है जो बी से स्टार्ट हो रही है, मतलब स्ट्रिंग ए से भी स्टार्ट हो सकता है, बी से भी स्टार्ट हो सकता है, ये वाला बेटा फॉरन रिज्यूम करेंगे,